जहां एक ओर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में आवारा एवं निशक्त पशुओं को पालने के लिए गौशाला खोल रही है, वहीं जनपद पंचायत बागली और ग्राम पंचायत कमलापुर की मिलीभगत से सालों से बंद पड़े पशु वध बुचड़ खाने को एक बार फिर चालू करने की अनुमति प्रदान की गई। इसका कमलापुर के हिंदू समाज ने विरोध करते हुए बागली SDM के नाम नायब तहसीलदार सुभाष सोनेर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन परमानंद जाट ने किया। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने एक आवेदन जनपद CEO बागली एवं एक आवेदन बागली थाना प्रभारी को भी दिया है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि कमलापुर में यदि बुचड़ खाना फिर से शुरू होता है तो यह क्षेत्र का माहौल खराब होगा और कई आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ेगी, जिसके कारण इस पर रोक लगाना चाहिए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व बागली जिला देवास मध्य प्रदेश कमलापुर के समस्त ग्रामवासी विषय पशु व चालक के अनुमति नहीं देने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में हम कमलापुर ग्रामवासियों हम प्राधिकरण कमलापुर ग्रामवासियों को इस प्रकार की सूचना मिली कि ग्राम पंचायत कमलापुर में किसी व्यक्ति द्वारा पशु वध शाला खोलने हेतु लाइसेंस की मांग की गई। यहाँ के कमलापुर गांव पूर्व में भी अति संवेदनशील होकर उक्त गांव में को हत्या संबंधी प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। गांव उक्त पशु वध के कारण कई बार कमलापुर गांव में सामुदायिक सद्भाव भी बिगड़ा है। यह कि गांव कमलापुर शांतिप्रिय गांव है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा पूर्व में 6 माह पूर्व को हत्या संबंधी प्रकरण दर्ज हुआ जो न्यायालय में लंबित है। यह कि यदि वधशाला की अनुमति दी गई तो गांव व आसपास की स्वच्छता पर भी प्रभाव पड़ेगा एवं गंदगी फैलेगी तथा पशुवध के आड़ में गोवंश हत्या भी होगी। यह कि हम ग्रामवासियों को इस बात की जानकारी लगी है कि ग्राम पंचायत द्वारा पशुवध हेतु वधशाला खोलने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिए जाने की सहमति वन प्रदान की गई है, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा गांव-गांव द्वारा गौशाला हेतु सहायता राशि भी दी जा रही है। यह कि यदि गाँव कमलापुर या आसपास के क्षेत्र में वधशाला खोली गई तो ग्रामीणों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त प्रस्तावित वधशाला विवादों का केंद्र रहेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्तावित वधशाला ग्राम कमलापुर व आसपास के क्षेत्र में नहीं खोली जाए, अन्यथा मजबूर होकर हम ग्रामवासियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इसी दिनांक 14/20/20। कमलापुर में बुचड़ खाना खोलने के संबंध में जानकारी मिलने पर पूरा कमलापुर और पूरा आसपास का अंचल में बहुत आक्रोश की अभिव्यक्ति है और ये निश्चित रूप से एक हिंदू समाज की आस्था पर बहुत कुठाराघात है कि कमलापुर में कभी भी बुचड़ खाना नहीं रहा है। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोल रहे हैं और दूसरी ओर जो बुचड़ खाना खोल रहे हैं, ये वास्तव में दोहरा मापदंड है और परस्पर विरोधाभासी दृष्टिकोण है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और सभी लोग आज आक्रोशित अभिव्यक्ति करते हुए हमने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए यहाँ पर कमलापुर बागली नयापुरा छतरपुरा बेरी आगुरली और आसपास के 50 गाँव के लोगों ने बड़ा जनसैलाब आज उमड़ा और तहसील मुख्यालय पर इस मामले को लेकर उन्होंने नारे लगाते हुए और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार करें। और वो जब अपने आप को गोभक्त बता रहे हैं, आपको वो अपने आप को जब जनसेवक बता रहे हैं, तो जन भावनाओं के विपरीत यदि कोई कदम उठाया गया और बुचड़ खाना खोलने की अनुमति दी गई तो इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जो प्रजातंत्र में जो हमें अधिकार दिए उन अधिकारों के तहत हम अपने अधिकारों के साथ यहाँ पर बड़े जनसैलाब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आक्रोशित होकर इस संबंध में हम कमलापुर बंद का आह्वान भी कर सकते हैं और तहसील बंद का आह्वान भी कर सकते हैं। और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार करें और बुचड़ खाना खोलने की यदि इस प्रकार की कोई अनुमति दी गई तो उसका हम गहरा विरोध करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।